कुकिंग की उन सभी प्यारे दोस्तों को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू कि आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया। चलिए, कई लोगों ने कहा है मिक्स वेज कैसे बनता, तो मिक्स वेज की सेटिंग कर रहे हैं। हमें पनीर को बिल्कुल क्यूब में कट करना है, जैसे आप देख रहे हैं इसी क्यूब में कट करना है और एक हांडी में भर लेना है। उसके बाद हम वेजिटेबल्स को कट करके पहले से बॉयल करके रखते हैं, आप छोटे छोटे क्यूब में कट कर सकते हैं। प्याज को चॉप करके रख रखा है, शिमला मिर्च पड़ेगा वो चॉप करके रखा है, लहसुन पड़ेगा वो चॉप करके रखा है, टमाटर पड़ेगा वो चॉप करके रखा है, ये है चॉप मसाला, ये सारी चीज़ें इसमें पड़ेंगी और धनिया भी पड़ेगी, ठीक है। अब हमें फ्राई पैन लेना है, फ्राई पैन को थोड़ा सा गर्म करना है। उसके बाद इसमें हमें एक आधा डब मतलब थोड़ा सा दो चम्मच के आसपास तेल डालना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे जीरा, जीरा को थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे, प्याज को अच्छे से भूनेंगे। देखिए, जब तक आप प्रॉपर रेसिपी नहीं देखेंगे, आप कट करके देखेंगे, फिर आपकी समझ नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे कि शेफ टेस्ट नहीं आया। तो शेफ ने सब कुछ बताया था, बस आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए आपको टेस्ट नहीं आया। तो आप प्रॉपर देखेंगे तब समझ में आएगा। चॉप मसाला आपको कम से कम दो प्याज डालना ही है, शिमला मिर्च आपको कम से कम आधा डब्बी के आसपास डालना है। उसके बाद अच्छे से भून लेना है। फिर हमें क्या करना है, इसमें वेजिटेबल डालना है, जो मैंने पहले बताया कि ये मिक्स वेज है। तो मिक्स वेज में हरा मटर है, गाजर है, बीन्स है, ये सारी चीज़ें जाती हैं, ठीक है। तो हम इसमें तैयार कर रहे हैं 3 पोर्शन के हिसाब से, बाकी आप घर पे जैसे भी आपको पसंद हो, आपको वेजिटेबल्स प्रॉपर कट करके बॉयल करना है, नमक स्वाद अनुसार, बाकी जैसा आपको पसंद हो। अच्छा, इसमें खेल पूरा जो होता है वो सिर्फ भूनने का होता है, सिर्फ भूनने का। तो भूनने पे प्रॉपर ध्यान दें। ये है हल्दी, हल्दी आधा टीस्पून डालना है, और येलो चिल्ली हम स्पाइसी के लिए डालते हैं तो आधा टीस्पून। ये है चिल्ली फ्लैक्स, चिल्ली फ्लैक्स आपको आधा टीस्पून डालना है। और उसके बाद हमने जो पनीर क्यूब में कट किया था वो सारा का सारा पनीर हम इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद अच्छे से भूनेंगे, बहुत अच्छे से, जितना हो सके उतना भूनेंगे। ये है आलू जो हम पहले से कट करके फ्राई करके रखते हैं, वो डालेंगे। और उसके बाद हम इसमें आधा डब्बू डालेंगे टमाटर, और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, यही कुछ आधा चम्मच के आसपास। और फिर उसके बाद इसको अच्छे से भूनेंगे, तो पूरा तेल भूनने का है और आपका मिक्स वेज पूरी तरीके से तैयार है। तो अब हमें इसको सर्विस के लिए भी तैयार कर देना है, आप घर पे भी बना सकते हैं। अगर कहीं पर प्रॉब्लम होती आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिक्स वेज तैयार है, हल्का सा धनिया से गार्निश करेंगे, थोड़ा सा पनीर से ग्रेट करेंगे, क्योंकि देखने में अच्छा लगना चाहिए तभी खाने में अच्छा लगता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच आपके।